हादसों को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में रोबोट ही समुद्री जहाजों को संभाला करें। बिना क्रू का जहाज। भविष्य में मालवाही पोत पूरी तरह ऑटोमेटिक होंगे और बिना इंसानों के खुद ही समुद्र पर चला करेंगे। बस नेविगेशन के लिए बंदरगाह पर एक छोटे से मॉनिटरिंग रूम की जरूरत होगी। इसके बाद जहाज खुद ही समुद्र में अपना रास्ता खोज लेगा। हैम्बर्ग के फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक पिछले 2 साल से ऐसा सिस्टम बनाने पर काम कर रहे हैं जिससे फ्रेट शिप स्वचालित बन सकेंगे। इस तरह के जहाज के कई फायदे होंगे। पहला फायदा तो यही है कि कर्मचारियों की बचत होगी और इससे पैसा बचता है, यानी आर्थिक फायदा। एक दूसरा फायदा यह है कि हम मान रहे हैं कि समुद्री निगरानी में अधिक सेंसर के इस्तेमाल से जहाज की सुरक्षा भी बढ़ाई जा सकती है। आखिरकार हमें इस बारे में सोचना होगा कि समुद्र में होने वाले हादसे ज्यादातर इंसानी भूल के कारण होते हैं। इसके अलावा धीरे धीरे चलने वाले ऑटोमेटिक जहाज पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होंगे। इससे ईंधन की खपत और उत्सर्जन में कमी होगी। इंस्टीट्यूट के अपने सिमुलेटर में रिसर्चर सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं। सिमुलेशन से पता चलता है कि बंदरगाह में जहाज बिना क्रू के नहीं चल सकता। जहाज को चलाना एक बेहद पेचीदा काम है। जहाज ठीक तरह से बंदरगाह से बाहर निकाला जा सके, इसके लिए भविष्य में भी क्रू का जहाज पर रहना जरूरी होगा। Shore Control Center, King Darius initiated handover procedure. एक बार जहाज समुद्र के बीच में पहुंच जाए, उसके बाद क्रू हेलीकॉप्टर या फिर नावों की मदद से जहाज छोड़ सकता है। जहाज के मंजिल पर पहुंचने पर यही काम एक बार फिर से करना होगा। बंदरगाह में घुसने से पहले क्रू को जहाज पर पहुंचाया जाता है जो उसे सुरक्षित डॉक करता है। महासागर में पहुंचने पर ऑटो पायलट ही पूरा कमांड संभालता है। सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि जहाज सुरक्षित रहेगा। इसके लिए यहाँ फूल प्रूफ सेंसर, रडार और डिजिटल कैमरे लगाए गए हैं। अड़चन की पहचान हम सेंसर और ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के जरिए करते हैं। इसके अलावा जहाज पर एक साधारण और एक इंफ्रारेड कैमरा लगा है। ये सब सिस्टम साथ मिलकर काम करते हैं। सेंसर फ्यूजन तकनीक की मदद से हमने ऐसा इंटेलिजेंट एल्गोरिदम तैयार किया है जो छोटी से छोटी चीज पहचान सकता है, ऐसी चीजें जिन्हें आमतौर पर रडार भी नहीं पकड़ता। किसी दूसरे जहाज से टक्कर न हो, ये सिस्टम इस बात का ध्यान रखता है। इतना ही नहीं, दूसरे जहाज के सामने आ जाने पर सिस्टम खुद तय करता है कि करना क्या है। क्या जहाज को नजरअंदाज कर आगे चलना है या फिर उसे पहले गुजरने देना है। हम जहाजों को और भी समझदार बनाना चाहते हैं, इतना कि वे खुद ही अपना रास्ता चुन सकें और खुद तय करें कि हादसे को कैसे रोकना है या फिर बुरे मौसम में क्या करना है। हालांकि पूरी तरह ऑटोमेटिक ये जहाज भी बिना इंसानी मदद के नहीं चलेंगे। सैटेलाइट की मदद से इन पर हर समय नजर रखी जाएगी ताकि जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप किया जा सके। हो सकता है कि सिस्टम सही फैसला ना ले पा रहा हो या फिर क्रैश हो जाए। ऐसे में 6 जहाजों को दूर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। निश्चित तौर पर इस तरह के तकनीकी विकास का असर नाविकों के पेशे पर भी पड़ेगा। हम मान कर चल रहे हैं कि समुद्र में तो जहाज खुद ब खुद चलेगा, लेकिन छोटी जगहों पर या बंदरगाह में नहीं। इसलिए जहाज को बंदरगाह में लाना और फिर वहां से सुरक्षित निकालना और इसके बाद उसकी निगरानी करना, यह नाविकों का काम होगा। फिलहाल बिना क्रू के जहाज को समुद्र में भेजने की अनुमति नहीं है, इसलिए भविष्य के ऑटोमेटिक जहाजों का टेस्ट इस सिमुलेटर में ही मुमकिन है।